यस स्टूडेंट, नेक्स्ट अभी हमने 24 क्रोमियम तक जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किया। अब आपके पास जो है 25 में, ठीक है, जो 25 होता है वो हमारे पास किसका होता है स्टूडेंट, मैंगनीज का। किसका होता है? मैंगनीज का, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आर्गन तक तो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 4s2 एसमें, यानी कि एडीन तक तो ये हो गया, एडीन और 20 20, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसमें आ जाएंगे, डी। तेरह स्टूडेंट डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 26 पे स्टूडेंट हमारे पास आता है आयरन। कौन सा आता है? आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, ठीक है। सेम आप यहाँ पर लिखेंगे आर्गन 4s2 3d6, ठीक है। आप चाहे तो इसको कॉन्फ़िगरेशन को अपने सीक्वेंस जैसे हमने पहले किया था 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है 27 पे जो आता है हमारे पास आता है कोबाल्ट। 27 पे कौन आता है? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट कितना है? 27 है, ठीक है। कोबाल्ट 27 है, तो यहाँ पर आर्गन जी में कितने इलेक्ट्रॉन, 4s2 18 और 2 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3d7। कितना आएगा स्टूडेंट, 3d7 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है 28, ठीक है। 28 पे कोबाल्ट के बाद आता है स्टूडेंट निकल। कौन सा एलिमेंट आता है? निकल एलिमेंट आता है, ठीक है। तो निकल में आप क्या करेंगे, आर्गन 4s2 3d8। तो ये हमारे पास आ गया निकल का। उसके बाद स्टूडेंट 29 हमारे पास आता है कॉपर। कौन सा आता है? कॉपर, ठीक है। कॉपर में हमारे पास क्या गया, आर्गन 4s2 3d9। अब स्टूडेंट जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, अब ये भी क्या एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, यानी कि प्रॉपर कॉपर शोज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। कैसे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों शो करता है, क्योंकि कॉपर जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहता है। स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए जो है ये क्या शो करता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी स्टूडेंट वो बनेगी आर्गन 4s1 3d10। ये इसके कॉपर की जो है एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी कॉपर की वो बनेगी। और अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम के बारे में बताया था, और कॉपर दो ऐसे एलिमेंट है जो क्या करते हैं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि वाई राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द दीज एलिमेंट एंड वाई दे शो द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट आपने क्या आंसर राइट डाउन करना है कि हर एक एलिमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए ये क्या शो करते हैं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। और एस के पास कम एनर्जी है, तो एस से आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है किसमें जा सकते हैं, डी के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए क्रोमियम और कॉपर जो है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, ये रॉन्ग है, और ये जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट, राइट है। उसके बाद 30 पे आता है स्टूडेंट जिंक। 30 पे कौन आता है? जिंक। तो जिंक में जो है आप आर्गन 4s2 3d9 था यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, 3d10। तो ये आपके पास 30 तक कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टूडेंट नोट्स में मैंने आपको सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड किया हुआ है, और आप खुद भी एक बार सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को जो है नोट करेंगे, ठीक है, राइट करेंगे सभी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को। आपकी बुक में जो है पीरियोडिक टेबल दी हुई है, पीरियोडिक टेबल में जो है हर एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो हर एक एलिमेंट के आगे नेम और सिंबल मेंशन किए हुए हैं और एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो आप आगे की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट डाउन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक सबको समझ में आया?